स्ट्रेंथ आप नापते हैं बचपन में, आपकी स्ट्रेंथ कुछ और होता है, आप पढ़ाई में अच्छे हैं या आप किसी और चीज़ में आपकी काबिलियत है, आप उससे नापे जाते हैं ये मेरा बच्चा स्ट्रांग है, गिरता है फिर उठ जाता है, फिजिकली स्ट्रांग है। फिर आप टीनेज में आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ अलग तरीके से आपका पैमाना नापा जाता है। फिर आप एक ऐसे मच्योर एज में आ जाते हैं जहाँ आपके ऊपर बारिश होती है तकलीफ़ों की और आप उनसे भी निकल जाते हैं। सो हर उम्र में आपकी स्ट्रेंथ नापने का पैमाना अलग हो जाता है। सो अगर मैं माया से शुरू करूं कि वो बचपन, माया का बचपन कैसा था, क्या ये नाजुक मिजाज लड़की थी या बचपन से ही एक वो फौजी ट्रेनिंग होती ना वो शुरू हो गई थी जिंदगी। यू हैव नोन मी ऑलमोस्ट ऑल योर लाइफ, सो निदा को बताने का तो कोई फायदा नहीं है कि मैं माय मुंडा थी, मैं होस्ट हूं आप जाहिर है पता है तो सवाल करना होता है। लेकिन नहीं, मैं कभी भी नाजुक वाली बच्ची नहीं थी एवर। हालांकि तुम छोटी हो घर में अपने, सबसे छोटी, तो छोटे बच्चे अक्सर होता है या तो बहुत प्यार में बिगाड़े भी होते हैं या उनको बहुत अपने परों के नीचे रखा होता है। बिगाड़ने में ये था कि हाँ छोटी है तो चलो ये पागल है कर रही है, लेकिन हाँ। वो एक हमेशा था कि मैं कभी गुड़ियों से नहीं खेली, कभी अच्छा। शादी नहीं की, कभी गुड्डे के पास नहीं गए, रुखसत होके कभी वहाँ बारात लेकर नहीं हाँ। गए, ऐसा कुछ मेरा नहीं अच्छा था। वो मतलब माचिस की डिबिया के साथ मैं और मेरा कजन विक्की जो है वकास जो है ना, हम लोग वो ब्लू बॉय अच्छा। था तो वो ब्लू की टेप लगाते थे हम इलेक्ट्रिकल हाँ। और मैं रेड लगा लेती थी क्योंकि मैं लड़की थी, ओके। तो उसमें हम लोग फिर वो जो छत की जो सारी बॉर्डर होता था ना, वो छत की जो पूरी चारों चार दीवारी होती थी उसके ऊपर हम चौक से ना रोड बनाते थे, ओके। और फिर उसमें रेस करते थे हम। तो ये हमारा बचपन था। मैं बिल्कुल भाइयों के कपड़े पहनती थी। कल रात को ही मैं अपने अजीज के साथ एक अपने पीटीवी के एंकर टाइम की तस्वीरें देख रही थी, तो वी वर ऑल लाफिंग कि आईब्रोज नहीं बनी हुई थी, मूछें नहीं बनी हुई थी क्योंकि पीटीवी का एक ऑब्वियस तरीका था दुपट्टा ओढ़ना होता था, तो मैं बहन के कपड़े पहनती थी जिनकी आस्तीने में मेरा हाथ अंदर जा रहा था तो आस्तीने बाहर आ रही होती नहीं, जैसे अगर चोट वोट लगती थी तो रोने वाली बच्ची थी, क्या कहते हैं घर वाले जब। नहीं नहीं, मेरा आज तक यहाँ पर इतना बड़ा एक निशान है, मैं साइक्लिस्ट थी बचपन, एथलीट, 50 meters, 100 meters, बैडमिंटन, थ्रो बॉल, क्रिकेट टीम में ये सब करती थी मैं, वो मेरा था ही नहीं, डिबेटर थी अच्छा। तो मेरा वो सीन ही नहीं था कि चोट लग गई, चोट कैसे लगी, चोट तो लगी फिर उठ के भागो, अगर आप बैठ गए तो आपकी वो तो सारा स्पोर्ट्स आपका वो स्पोर्ट्समैनशिप खत्म हो जाता है। तो आई थिंक वो बचपन से ही था, आप चोट लग गई तो हमने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, टटा के लग गए अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं करते करते जिंदगी में सब कुछ हो गया कोई बात नहीं, मतलब पहाड़ों से गुजर गए कोई बात नहीं। और बच्चों की बात लाइक यू सेड निदा, आई थिंक आप लोगों की इजाजत के साथ निदा ने बड़ी अच्छी बात की कि बचपन में स्ट्रेंथ दूसरी होती है, हम बच्चे क्यों नहीं बन जाते, क्या बच्चों को तकलीफ नहीं होती, वो होती है, लेकिन चूंकि वो फौरन कुछ ना कुछ, कभी वो पुलिस वाले भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, वो शेफ भी बन जाते हैं, वो अब्बा भी बन जाते हैं, वो दादा भी बन जाते हैं, सबकी नकल करते हैं, बच्चों का ध्यान बटाना आसान होता है ना, तो हम बच्चे क्यों नहीं बन जाते, हम हर चीज में अडैप्टेबिलिटी क्यों नहीं करते। तो आई थिंक अडैप्टेबिलिटी का एक साइंस थी दिमाग में, ये हो गया कोई बात नहीं, वो हो गया कोई बात नहीं, फला हो गया। अच्छा, अब जाहिर है जिंदगी में जब आप छोटे होते हैं तब भी आपको बहुत दुख सहने पड़ते हैं, अब्बा या अम्मा या तबीयत खराब या कोई दुनिया से चला गया आपका प्यारा एक यंग एज में, उस वक्त आप कितनी स्ट्रांग थी उस हमको लेने में? मैं उस वक्त अब्बा की का इंतकाल जो है वो मुल्तान में हुआ, उनकी कब्र मुल्तान में है, और जब अब्बा का हुआ था तो आई रिमेम्बर अल्लाह बख्शे वालदा को, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप दुनिया की पहली और आखिरी बच्ची नहीं है जिसका बाप किया है। आपकी वालदा ने कहा था? मेरी वालदा ने कहा। ओके, तो मैं ना उनकी शक्ल देख रही थी कि कैसी खातून है ये, आज मैं सोचती हूँ तो इतनी पावरफुल खातून। कल रात को हम सब याद कर रहे थे, फमीदा आंटी, अफीफा सूफिया हुसैनी, शाइन अंसारी, नाहिद आपा, अम्मा, ये लोग सब लोग मेरे पीटीवी के शोज में, इनकी वालदा, ये लोग सब लोग साथ बैठ के ये लोग खाना खाते थे और मैं एक कमरे में या तो नाहिद आपा या तस्नीम आंटी या शाइन आपा, इन लोगों के कमरे में बैठ कर मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती थी कि मेरे क्वेश्चन क्या हैं। माया, क्या जब एक बच्ची स्ट्रॉन्ग खवातीन के बीच में रहती है तो उसका इम्पैक्ट उस बच्ची पे होता है? क्यों नहीं पड़ता? जहाँ बहुत सारे हाई उल्ला हुई उल्ला होते, चुपके लिए आ गई कॉकरोच, वो नाजुक मिजाज तो बच्ची क्या वैसे ही हो जाते हैं? मेरे आसपास के बड़े अगर प्रोफेशनल ही, बिकॉज मैं बहुत छोटी सी उम्र में काम करना शुरू हो गई थी, तो मेरे आसपास के जो बड़े थे वो नाम तो देखो अपनी वालदा से लेके वो तमाम बैच तो देखो वो क्या था, क्या वो नाजुक बैच था, वो हाई अल्लाह बैच था? नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चियों के ऊपर जब इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग खवातीन का पड़ता है तो शायद वो अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो पावरफुल बन जाते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको वो मार्जिन नहीं देते ना, हाँ तो ये पढ़ो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, जो जरूरी है उनको पता है कि क्या करना है। और ऐसा नहीं कि उधर कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई बड़ी उम्र की वालदाएं थी,
बहुत यंग मदर्स थी सारी, ठीक है, एंड अनमैरिड भी थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए तुम्हें खाना मिल जाएगा। वैसे सवाल पढ़ो, इंसाइक्लोपीडिया तुम्हारे बराबर में, डिक्शनरी तुम्हारे पास है, रेलेवेंट बुक्स तुम्हारे पास है, रेफरेंसेस के लिए तुम्हारे पास सारे नोट्स है, पढ़ो और हम साइड। अच्छा, दैट वाज माय ट्रेनिंग। अच्छा देखो, बचपन अच्छा था तुम्हारा माशाल्लाह, अम्मी स्ट्रांग, घर वाले थे सारे सब अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तकलीफ मैं तुम्हें ये कहती हूँ, जब तुम्हारे होता है ना कभी कभार इंसान के पैरों तले जमीन निकल गई, कभी होता है झटका तो इंसान को लगता है कभी भी, पहली वो तकलीफ जब तुम्हें लगा कि ये इस तूफान से मैंने अकेले गुजारना है, जिंदगी में कब आई? बाबा का जाना। आई वॉज वेरी टफ, क्योंकि सारे बहन भाई तकरीबन बाहर थे, और जो थे भी तो वो उनका भी ऐसा था कि आना जाना उनका बाहर रहता था, तो मेरे लिए अचानक से स्कूल में लेटर टू योर फादर लिखना एक एक झटका था। यू नो छोटे बच्चे थे ना, तो वो एक होता है कि लेटर टू योर फादर, मैंने कहा अब्बा तो गए तो अब्बा को क्या लिखें, तो वो उस वक्त फील होता था। तो फिर उसके बाद मुझे घर में सबने समझाया कि कोई बात नहीं, माने माने का बेटा मैं आपका अब्बा हूँ, आप मुझे समझ के लिखा करो। तो वो एक चीज थी, आई हैड टू मेक पीस विद इट ना। लेकिन अब्बा का जाना, मेरी कजन का मुझे बताना, जिस तरह उसने बताया कि अच्छा अब्बा को सब सारी फैमिली डैडी ही कहती थी ना, तो वो डैडी का ना, तो वो अच्छा अब्बा का इंतकाल हो चुका है और मुझे समझाया जा रहा कि डैडी का जो वो है ना जो हार्ट है वो ओनली 10% काम कर रहा है, 20%। अब वो छोटी सी को इस तरह सारे बहला रहे ना कि इस तरह होना। फिर उसके बाद मैंने देखा लोग कह रहे हैं कि अम्मा को कि अच्छा चूड़ियाँ आपने पहनी नहीं है तो आप उतार दीजिए, तो मैं ना इतनी सी 1.5 फिट का इंसान ना खड़ा हो गया, नहीं मेरी वालदा ऐसी अम्मा ऐसी रहेंगी जैसे बाबा को पसंद थी। तो मैंने अम्मा के हाथ से चूड़ियाँ नहीं उतरने दी जिंदगी भर, कभी नहीं उतरने दी, मैं कहा जैसी अब्बा को पसंद थी आप वैसी ही रहेंगी। एंड यू नो इट वॉज स्पर ऑफ द मोमेंट वेयर आई टुक दैट स्टैंड, बट लाइफ चेंज्ड। इट इज़ नॉट ईजी कि आप अब्बा के बगैर या माँ के बगैर किसी के मतलब पेरेंट्स में से किसी एक के बगैर, लोगों का दर्द तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते, माँ नहीं होती बचपन से, तो वो बहुत मुझसे बड़े बड़े ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं। लेकिन मेरा अगर आप पूछती हैं, बाबा का जाने के बाद जो है वो लगा शायद मैं बचपन से ही बड़ी हो गई, मुझे कभी बचपन आया ही नहीं, तो दैट वाज इट आई थिंक। यही चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता और ज़िंदगी के फेजेस पे आएंगे, लेकिन मैं बचपन का पूछना चाहूँगी कि बचपन में आप स्ट्रॉन्ग थी या हालात के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हुई? मैं तो वक्त के साथ साथ हुई, क्योंकि बचपन मुझे याद है कि मैं नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग, पैम्पर्ड थी थोड़ी है, थोड़ी पैम्पर्ड भी इतनी